नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे आचार्य जागेंद्र मिश्रा चैनल में। चैत्र नवरात्रि के दिन एक चीज जरूर खा लेना, पूरे साल जमकर पैसा आएगा। हे अंबेरानी, जो हमारी वीडियो देख रहे हैं उनके घर में सदैव अपना स्थान बनाए रखना, उनकी झोली खुशियों से भर देना। जय माता दी। दोस्तों, 2024 में इस बार माँ दुर्गा चैत्र नवरात्रि में घोड़े पर सवार होकर आ रही हैं। यानी जब माता रानी घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो इसे शुभ नहीं माना जाता। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार देवी जब घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो समाज और राजनीति में बड़ी उथल पुथल होती है। मान्यताओं के अनुसार अगर चैत्र नवरात्रि पर यदि माता दुर्गा घोड़े पर सवार होने की बजाय हाथी पर सवार होकर आती हैं तो मान्यता है कि माँ दुर्गा का हाथी पर सवार होकर आना बहुत शुभ और कल्याणकारी मंगलकारी माना जाता है। जीवन सुखमय हो जाता है, भक्ति का भरपूर लाभ भक्त जनों को मिलता है, दिल में सुकून मिलता है, माता वैष्णो भरपूर आशीर्वाद देती हैं। दोस्तों, इस बार चैत्र नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी, यानी 9 दिनों तक नवरात्रि का पर्व मनाया जाएगा। न एक भी दिन कम न एक भी दिन ज़्यादा, पूरे 9 दिनों तक चलेगी। माता वैष्णो की पूजा, माँ शेरोवाली की पूजा, विशेष रूप से आराधना 9 दिन की जाएगी। चैत्र नवरात्रि का पहला व्रत 9 अप्रैल को रखा जाएगा और अंतिम व्रत 17 अप्रैल दिन बुधवार को रखा जाएगा। 17 अप्रैल को रामनवमी का पावन पर्व और कन्या पूजन किया जाएगा। साथ ही साथ 16 अप्रैल को अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन किया जाएगा, जो कि इस दिन नवरात्रि 17 अप्रैल को रामनवमी के दिन समाप्त हो जाएंगे। आपको बता दें, 9 अप्रैल को घट स्थापना का शुभ मुहूर्त सुबह 6:03 से सुबह 10:14 तक रहेगा। दोस्तों, चलिए अब जान लेते हैं नवरात्रि में कौन कौन सी सब्जी नहीं खाना चाहिए और कौन कौन सी सब्जी खाना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत टूट जाता है। आइए जानते हैं नवरात्रि में क्या खाएं और क्या ना खाएं और क्या पीना चाहिए, कौन सा फल खाना विशेष और शुभकारी माना जाता है, आज हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी राशि जरूर डाल दीजिएगा। यदि हमारे पास आपकी राशि के अनुसार कोई उपाय होगा तो वह आकर हम आपके कमेंट में रिप्लाई में बता देंगे, ताकि आपको राशि के अनुसार फल प्राप्त हो। राशि के अनुसार किया गया कार्य बहुत ही शुभ माना जाता है। मैया वैष्णो रानी बहुत प्रसन्न होती हैं। कमेंट में लिखें, माता रानी आपका स्वागत है हमारे घर में, जय माता रानी, एक लाइक जरूर करें। वैष्णो रानी के लिए एक लाइक तो बनता है। दोस्तों, शास्त्रों के अनुसार बताए गए व्रत चाहे किसी भी प्रकार के क्यों ना हो, उनसे जुड़े पालनों का नियम करना अति आवश्यक माना जाता है, क्योंकि जो मन के मुताबिक किया जाए वह संघर्ष नहीं कहलाता। कहा जाता है कि मनोकामना को पूर्ण करने के लिए थोड़ा सा संघर्ष यानी कि तपस्या तो करनी ही पड़ती है। इसीलिए ऐसी मान्यता है कि व्रत को पूर्ण विधि विधान से किया जाना चाहिए, तब आपको व्रत का पूर्ण लाभ प्राप्त होता है, अति उत्तम और शीघ्रदायक वरदान प्राप्त होता है। आपकी सभी मनोकामना शीघ्र ही मैया रानी पूर्ण करती हैं। ऐसे व्यक्ति को मरने के बाद माता रानी के चरणों में स्थान मिलता है, वह सदैव ही माँ की सेवा करता है, ऐसा भक्त स्वर्ग लोक में जाता है। इसलिए हर शास्त्र यही कहता है कि सच्चे दिल से अगर आपके मन में ईश्वर के प्रति श्रद्धा हो तो बिन पूजा पाठ के ही सारा फल मिल जाता है, और अगर मन में ईश्वर के प्रति शंका हो तो उस मनुष्य को कई जन्मों तक सुख नहीं मिलता, वह नरक में ही भटकता रहता है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा था कि जो मनुष्य सच्चे हृदय से ईश्वर को पुकारता है तो उसका नाता उस शक्ति से जुड़ जाता है जिसे आपने सच्चे हृदय से पुकारा था। इसलिए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सच्चे हृदय से ही ईश्वर को पुकारें तो वह आपकी हर मनोकामना को पूर्ण करते हैं। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जो भगवान के सामने घंटों पूजा पाठ करते हैं तथा रोते हैं, फिर भी भगवान उनकी कभी नहीं सुनता। दरअसल जब आप सच्चे मन से ईश्वर को पुकारते ही नहीं हैं तो भला वो आपकी पुकार कैसे सुनेंगे। दोस्तों, ये तो थी वो बातें जो भक्त और भगवान के बीच की है। अब जान लेते हैं नवरात्रि के दौरान क्या नहीं खाना चाहिए और क्या नहीं पीना चाहिए, कौन सा फल खाने से व्रत संपूर्ण और सफल हो जाता है। दोस्तों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, चाहे मर जाना भूलकर भी नवरात्रि के दिनों में यानी कि
पानी पूरी कभी मत खाना, क्योंकि इस दिन कभी कभी बीच में शुक्रवार पड़ जाता है और शुक्रवार को माँ संतोषी का बार कहा जाता है। माता संतोषी खट्टी चीज को खाने वाले व्यक्ति से हमेशा क्रोधित रहती हैं, नाराज रहती हैं, क्योंकि नवरात्र में माता संतोषी जागृत अवस्था में होती हैं। माता संतोषी की शक्ति नवरात्र में कई करोड़ गुना बढ़ जाती है। नवरात्रों में जब शुक्रवार पड़ जाए तो आप इमली नहीं खाना चाहिए, यानी कि माता संतोषी रुष्ट हो जाती हैं, आपको खट्टी चीजें नहीं खाना चाहिए, आपको दंड देती हैं। नींबू नहीं खाना चाहिए, वैसे तो नवरात्रि के व्रत में नींबू खा लेना चाहिए, पर अगर शुक्रवार हो तो माता संतोषी के क्रोध से बचने के लिए नींबू नहीं खाना चाहिए, इस दिन नींबू का त्याग करना चाहिए। दोस्तों पानी पूरी क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें लहसुन प्याज होता है और खाना यानी कि जो होता है वो तामसिक होता है तो नहीं खाया जाता। जो व्रत होते हैं व्रत भंग भी हो सकता है तो पाप लगता है। ध्यानपूर्वक अगर आप शुक्रवार को खट्टी चीजें नहीं खाते तो माता संतोषी आपको धन धान से मालामाल कर देती हैं, आपके घर में अपना वास बना लेती हैं। बस शुक्रवार के दिन नवरात्र के दिनों में इस बीच आप इसे त्याग करना चाहिए, पालन करना चाहिए। नवरात्रों में लहसुन प्याज और खट्टी चीजों का परहेज करें, चाहे आप व्रत नहीं भी रख रहे हैं फिर भी आपको नवरात्र के दिनों में लहसुन प्याज से बनी चीजें नहीं खानी चाहिए। लेकिन याद रहे पानी पूरी आप खा सकते हैं, वो भी जब नवरात्र समाप्त हो जाए। दोस्तों वीडियो को लाइक जरूर करें, आपका एक लाइक माता रानी के लिए अतिप्रिय है, माता रानी को अच्छा लगेगा, इसलिए माँ के लिए एक लाइक तो बनता है। माता रानी को नकारना नहीं चाहिए। दोस्तों नवरात्रि के दिन सेव जरूर खाना चाहिए, शास्त्रों में बताया जाता है कि भगवान के भोग में सेव आदि जरूर अर्पित किया जाता है। अगर आपका व्रत है तो आपको सेव जरूर खाना चाहिए। केला पपीता तरबूजा मीठे फल अंगूर वगैरह खा लेने चाहिए, लाल वाला अंगूर खा लेना चाहिए, हरा वाला अंगूर, साथ ही अनार खा लेना चाहिए और आप सीताफल भी खा लें। इन फलों के व्रतधारी को शक्ति मिलती है खाने से और व्रत संपूर्ण हो जाता है। शास्त्रों में बताया जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल जरूर खाना चाहिए, लेकिन आपको नाशपाती नहीं खाना चाहिए। फलों में नवरात्रि के दिनों में आप नाशपाती का त्याग कर दें, इसे ना खाएं, ये नाश करने वाला होता है। आपको खाना है सीताफल, सेव, अंगूर वगैरह खा सकते हैं। सीताफल खाने से 20 ऐसी बीमारियां खत्म हो जाती है। माना जाता है कि नवरात्रि के दिनों में सीताफल का घर में प्रवेश होना ही बड़ा शुभ होता है। सीताफल खाने से नवरात्रि का व्रत सफल होता है, क्योंकि इसे माता सीता का आशीर्वाद मिला होता है। माना जाता है भगवान राम के वनवास के दौरान माता सीता ने यही फल खाया था। नवरात्रि के दौरान इसे जो भी खाता है उसे दुखों का सामना नहीं करना पड़ता, आशीर्वाद देती है। दोस्तों नवरात्रि में तेल की तली हुई हरी मिर्च भी आप ना खाएं, साथ ही कई मात्रा में यह परेशानी का कारण बनती है, तीखी होती है, इसलिए ना खाएं, इस बात का ध्यान रखें। दिक्कतें हो सकती हैं, पेट से संबंधित चीजें यानी कि परेशानी आपको देखने को मिल सकती है, क्योंकि इस समय व्रत का जो पालन होता है वो करना चाहिए। हल्का खाना आपको खाना चाहिए, भरपेट खाना नहीं खाना चाहिए, इससे हमारे शरीर में ऊर्जा की भरपूर मात्रा मिलती है। अगर आप यानी कि थोड़ा थोड़ा करके खाते हैं तो आपको क्या करना चाहिए, आलू की सब्जी खा लेनी चाहिए, आलू की पानी पी लेनी चाहिए। दोस्तों नवरात्र में भिंडी की सब्जी जरूर खाना चाहिए, लेकिन दोस्तों याद रहे भिंडी में कई ऐसे पोषक तत्व तो होते हैं जो हमारी हड्डियों को मजबूत बनाते हैं, तथा नवरात्र में बैंगन नहीं खाना चाहिए, पत्तेदार सब्जी या फिर आप जैसे कि कुमड़ा भी नहीं खाना चाहिए। नवरात्र में आप बैंगन है, लहसुन है, प्याज है, तामसिक चीजों का यानी कि त्याग कर दें, इन सब्जियों को भूलकर भी ना खाएं। नवरात्रि में साधक को सब्जियों में हरी धनिया डालकर भी जरूर खाना चाहिए। नवरात्रि में रिफाइंड का तेल भूलकर भी मत खाना, देसी घी खा सकते हैं। दोस्तों नवरात्रि में व्रतधारी को डब्बा बंद लस्सी, डब्बा बंद जूस नहीं पीना चाहिए, उसमें कई केमिकल मिले होते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है। जब भी आप फलों का पूरा जूस पिए तो याद रखें कि उसमें नमक ना डालें, नहीं तो व्रत टूट जाएगा। साथ ही साथ जूस के बर्फ भी जूस में डालकर नहीं पीना चाहिए, फलों का सादा जूस पीने से व्रत सफल होता है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान सिंघाड़े का आटा या कुट्टू का आटा खाने से पहले यह देख ले कि आटा पुराना नहीं होना चाहिए, क्योंकि पुराने आटे में कीड़े मकोड़े पड़ जाते हैं जिसके कारण आपका व्रत टूट सकता है, क्योंकि ये छोटे मोटे कीड़े मकोड़े हमें दिखाई नहीं देते और आपके मुंह तक पहुंच जाते हैं। ऐसा खाना मतलब कीड़े मकोड़े खाने का बराबर माना गया है। दोस्तों नवरात्रि के दौरान आप
शाम के समय खाने में दही ले सकते हैं, आलू वगैरह खा सकते हैं, आलू के चिप्स खा सकते हैं, साबूदाने की टिकिया बनाकर खिचड़ी खा सकते हैं, साबूदाने की खिचड़ी बना ले, आलू के पापड़ भी खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप दूध घी भी खा सकते हैं जो आपको ताकत देगा। आप चाय वगैरह भी पी सकते हैं, लेकिन याद रहे नमक ना डालें चाय में, नमक डालने से व्रत भी टूट जाएगा। एक बात ध्यान रखें, व्रतधारी को पेट भर खाना नहीं खाना चाहिए, नहीं तो व्रत रखने का कोई फायदा नहीं होता। थोड़ा थोड़ा करके खा सकते हैं। नवरात्रि के दौरान आप आदिशक्ति माँ दुर्गा को यानी कि प्रसन्न करने के लिए उनकी सबसे प्रिय चीज़ें जैसे अर्पित करें, जैसे कि फलों में अनार का फल है, सेब वगैरह अर्पित करें, लाल वाला अंगूर, और इसका ही प्रसाद के रूप में सेवन भी कर लें। दोस्तों नवरात्रि के समय में आप कोई भी तामसिक चीज़ का सेवन ना करें, लहसुन प्याज या आप पत्तेदार गोभी और कुमड़ा और बैगन वगैरह बिल्कुल ना खाएं, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, नहीं तो व्रत टूट जाता है, माता रानी क्रोधित हो जाती हैं। आपको खीर वगैरह भी बना के खा लेनी चाहिए, दूध की खीर बना लें, साबूदाने की खीर बना के खा लें, खिचड़ी वगैरह भी खा सकते हैं। साथ ही आप यानी कि जो हमने फल बताया है, इन फलों का भी सेवन आप नवरात्रि के दौरान करेंगे तो माता रानी बहुत ही प्रसन्न होती हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो भी मीठे पकवान बने हैं इन्हें भी आप खा सकते हैं। व्रतधारी को दिन में एक बार अगर खाना चाहें तो नियम के अनुसार एक दिन आप खाना भी यानी एक समय खा सकते हैं। दोस्तों ये जो नवरात्रि का पर्व है माँ दुर्गा को समर्पित होता है, माँ दुर्गा इसमें प्रसन्न मुद्रा में रहती हैं। नवरात्रि के दौरान माता रानी को कुछ अलग अलग स्वरूप के हिसाब से अलग अलग पूजन किए जाते हैं और अलग अलग वस्तुएं उन्हें अर्पित किए जाते हैं, और इस दिन भूलकर भी उन्हें यानी कि टूटी फूटी चीज़ें आप अर्पित ना करें, नारियल वगैरह अच्छे से देख लें, मुरझाया हुआ फूल भी आप अर्पित ना करें, और साफ सफाई का विशेष ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, नवरात्रि के समय आप छुआछूत बिल्कुल ना करें, दीपक जलाते समय विशेष सावधानी रखें कि दीपक बुझने ना पाए। माता रानी बहुत क्रोधित होती हैं, जो फूल चढ़ाएंगे बिल्कुल खिला हुआ होना चाहिए, और माता रानी को जो श्रृंगार चढ़ाएंगे बिल्कुल सही होना चाहिए, चटका टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। साथ ही माता रानी को आप यानी कि उनकी सबसे प्रिय वस्तुएं भी जरूर अर्पित करें। तो दोस्तों नवरात्रि में क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हमने सारी जानकारी आज के इस वीडियो में बता दिया है, और कौन सी वो दो सब्जी आपको नहीं खाना है भूलकर, नहीं तो माता क्रोधित हो जाती हैं, ये भी बताया है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी जरूर बता दीजिएगा कमेंट में, और इस वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचा दीजिएगा। लाइक तो बिल्कुल इस वीडियो को एक कर ही दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कमेंट में लिखेगा जय माता रानी, आपका स्वागत है हमारे घर में।